हेलो कोलकाता, केमन आछेन? भालो तो। आज के स्टूडियो में बेसिकली हम हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा वीडियो हेरिटेज के ऊपर होगा, जो कि आपको अदर वीडियोस में नहीं कवर अप होगा। इस वीडियो में वो चीज़ हम कवर अप कर रहे होंगे। काफ़ी कुछ नया आपको जानने को मिल रहा होगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, है कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भैया ये कितना साल हुआ इस कॉलेज को। तो लगभग 22 से 23 साल हो चुका है इस कॉलेज को। और इतना ही नहीं, यही जो कैंपस एरिया काफ़ी ग्रीनरी और काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड, 10 एकड़ में इसका फैलाव है। हॉस्टल फैसिलिटीज़, हॉस्टल की अगर मैं बात किया ही हूँ तो हॉस्टल में क्या होता है कि अगर आप दूर के स्टूडेंट हो, इन द सेंस कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उस अनुसार स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर हॉस्टल में सीट अलॉट किया जाता है। और यहाँ के जो सर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव आपको देखने को मिल रहे होंगे। इंटर्नशिप आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चों को देख रहे होंगे कि यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये सीन है। अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हो तो ये कॉलेज आपको आगे बढ़ा रही होगी। लोन को लेकर के यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मकाउट से ये एफिलिएट होने की वजह से आप मकाउट का जो भी रूल रेगुलेशंस होगा उसको फॉलो कर रहा होगा। कैंपस में जो कंपनीज आ रही होंगी वो मकाउट के थ्रू भी आ रही होंगी, प्लस पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है? ये बात हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं एडमिशन के ऊपर। तो एडमिशन कैसे कैसे हो रहा होगा, मैं 3 से 4 तरीके बता रहा हूँगा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे एडमिशन की अगर हम बात करें तो पहला होता है WBJEE, दूसरा JEE Mains और तीसरा डायरेक्ट एडमिशन, और चौथा भी एक चीज़ होता है, जब सीट्स बच जाते हैं लो ब्रांचेज में तो डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, मतलब विदाउट एनी चार्जेज। मतलब आप अगर WBJEE या JEE Mains दिए हो, लो रैंक है, सीट वैकेंट है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो आप अगर बाद में जाते हो कि सर हमें एडमिशन लेना है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, क्या सीट अवेलेबल है, तो अगर अवेलेबल होगा तो वो एडमिशन करवा देंगे। तो ये कब होगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म फिलअप का लिंक मिल जाएगा। सर लोग आपसे पूरा जो भी क्वेरी होगी, कई बार क्या होता है कि आप हमें व्हाट्सअप करते हैं बट हम रिप्लाई नहीं दे पाते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं, तो हमारी बड़ी सी टीम है वो आपकी हेल्प कर रही होगी एक चुटकी में। बस आपको 2-3 क्वेरी है, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और क्या क्वेरी है आपकी वो लिखना है और सीधा बस आपको सबमिट करना है, बस इतना सा करना है। उसके विद इन 24 आवर आपका जो है आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। साथ ही साथ हम एक्सेल पे नोट करते रहते हैं कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई या नहीं हुई अभी तक। तो हम जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके साथ रहेंगे हम। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होगा, चार्जेस नहीं लग रहे होंगे ऑब्वियसली। अभी हम एडमिशन के ऊपर बात कर ही रहे, तो एडमिशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि 80% जो स्टूडेंट होंगे वो WBJEE के थ्रू फिल होते हैं, 10% JEE Mains, 10% JEE Mains के बेसिस पे। इसीलिए कई स्टूडेंट का मेरे पास ये क्वेरी आता है कि भैया हमारा इतना परसेंटाइल है, 99% है, तो हमारा इसमें हो जाएगा या नहीं होगा? तो हाँ, 99 पे तो हो जाएगा, बट जैसे 95 के अराउंड है तो इसमें होने का चांस नहीं रहेगा आपको CSE के अंदर, ठीक है? CSE के अंदर होने का चांस नहीं हो रहा होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 10% ही हो रहा है, आप समझ रहे हो, जितना सीट्स है उसमें 10% ही ओनली, समझ रहे हो, 200 या 300 के आसपास जो सीट्स है उसमें ओनली 10%, यानी 30 ओनली 30। सो स्टूडेंट्स जो देख रहे हो JEE Mains में कितने सारे हैं, है ना, उसमें से 300 अगर है तो 30 अभी उसमें, अब 10% ये हो गया अब मैनेजमेंट कोटा से, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो 10% के आसपास होता है, ठीक है? हाँ, लो ब्रांचेज में आपको सीट्स वैकेंट रह जाते हैं क्योंकि प्लेसमेंट भी तो आप देखोगे ना कि प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लो ब्रांचेज में थोड़ा सा इश्यूज आ जाती है, उसमें भी आपको जाकर के फिर कोडिंग ही करना होगा डेफिनेटली। और हाँ, हाँ, एक चीज आप सुनते होंगे कि हाईएस्ट पैकेज जो है इसका जो है ऑफ कैंपस 1.2 CR गया है, और साथ ही साथ जो है इसका जो है इंडिया में पैकेज देखा जाए तो 40-50 या 45 के आसपास है। तो ये सब कब होता है, तो ये सब होता है जब आप CGPA मेंटेन रखते हो, एटलीस्ट 7 CGPA प्लस आपका होना ही चाहिए। तो ये सब चीज जो है किसी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज में हम बहुत कुछ, बहुत नया नया कॉलेज का हम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट मिल रहा होगा जो कि आपको आई बटन पे दे दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ऊपर में आई बटन पे कई वीडियोस, रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अभी हम बात करते हैं इसमें कट ऑफ के ऊपर, JEE Mains भी देखेंगे कट ऑफ कितना जा रहा है, और साथ ही साथ WBJEE, पहले हम स्टार्ट करते हैं WBJEE। अगर हम WBJEE में CSE अगर आपको चाहिए होगा, CSE में चाहिए होगा, तो आपको लगभग 5000 के अंदर, 4.5 से 5000 के अंदर आपको आने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। अभी हम बात करते हैं कि JEE Mains में जो है, JEE Mains के थ्रू उसमें कितना आपको स्कोर होना चाहिए, तो लगभग जो है आप मान के चलोगे
35,000 से 38 से 40 तक के बीच में होना चाहिए, उसके अंदर ही हो जाए तो आपको सीएससी मिल रहा होगा। लेकिन लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपको इसमें एडमिशन लेना ही है, आपको इसमें एडमिशन लेना ही है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह में, तो आपका अगर 3 लाख के आसपास भी है तो आपको एडमिशन मिल रहा होगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह अगर आपका WBJEE में भी आपका मान लेते 35,000, 30,000, 40,000 भी है तो आपको इस कॉलेज में मिल जाएगा, बट लो ब्रांच हो, अदर स्टेट के हो गए, इसका मतलब जनरल कैटेगरी में हो गए। ठीक है, याद रखना एक चीज, ये बात बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होती कि अगर आप वेस्ट बंगाल में WBJEE या JEE Mains के थ्रू आ रहे हो तो डजंट मैटर आप अदर स्टेट के अगर हो तो, उसके लिए मैं बोल रहा हूं, तो डजंट मैटर आप किसी कैटेगरी से हो, आप जनरल ही कंसिडर किए जाओगे, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो आप जनरल कैटेगरी में हो तो उसके लिए आपको 4,500 से 5,000 के अंदर आपको आना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। अगर हम इस कॉलेज के फी के ऊपर चर्चा करें तो स्टार्टिंग में फर्स्ट आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो उस टाइम आपको ज्यादा लगेगा, लगभग 80,000 से 90,000 के आसपास लगेगा, लेकिन एट द एंड आपको 4 साल के बाद जो है वो लगभग 4 से 4.5 लाख के आसपास आपको लग रहे होंगे। ठीक है, और हॉस्टल चार्ज लगभग 2 लाख आपको 2 से 2.5 लाख लग रहा होगा, मतलब टोटल अगर खर्च देखा जाए 6 से 7 लाख आपको लग रहे होंगे। अभी ये तो हो गया सारा प्रोज की बात, कि प्रोज क्या क्या है इसके ऊपर, भी कॉन्स के ऊपर आ जाते हैं। देखो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप देखो कैंपस लाइफ बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट आप एट द एंड क्या चाहते हो, पैकेज, तो पैकेज के लिए आप IIM की तरफ मूव कर सकते हो, IIM इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। हाँ कैंपस छोटा है, बट हाँ पैकेज आपको 4 साल के बाद बेहतर मिल रहा होगा। ठीक है, बेहतर प्लेसमेंट के लिए आप IIM की तरफ मूव कर सकते हो। उसके लिए अगर कोई एडवाइस की जरूरत होगी तो हमारी टीम आपको हेल्प कर रही होगी बेसिकली, तो आप जाके सिंपली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरे से भी बात कर सकते हो। बट क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है तो हम रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, कई बार बहुत सारा आने लगता है ना एकाएक, तो एग्जाम टाइम में तो और भी ज़्यादा, मैं सही बता रहा हूँ, मैं दिन रात एक करके बताता हूँ, फिर भी कई के नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है और साथ ही साथ फॉर्म का लिंक, फॉर्म के लिंक क्लिक करने के बाद क्या होता है, हमारी टीम आपके साथ बात करती है। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई क्वेरी अगर आपकी रह जाती है तो हमें जरूर बताइएगा, हम जल्द ही आपका रिजॉल्व करेंगे, विद इन 24 आवर आपका रिजॉल्व हो रहा होगा। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।